हेलो जी, मैं वर्षा और इन हाउस कुकिंग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज आपके लिए बना रहे हैं, आज बनाएंगे पकोड़ा, आपके लिए बनाएंगे मिक्स पकोड़ा मूंग दाल का, और बनाएंगे आपके लिए चने की दाल की कचौड़ी। तो ये मैंने भिगा के रखी थी दाल पहले से ही, और कढ़ाई रख देती हूँ फटाफट, पहले इसको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको धीरे धीरे दिखाते जाएंगे और बनाते भी जाएंगे, और आपको भी बहुत मज़ा। तो अभी क्या करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ये हो गई है कढ़ाई गरम, और ये हल्का सा बिल्कुल तेल। सबसे पहले डाल दिया है जीरा, ये डाल दी थोड़ी सी हिंग, ये डाल दी लाल मिर्ची सूखी वाली, और साथ में ही मैं लहसुन डाल दूंगी बड़ा बड़ा। ये डाल दी है काली मिर्ची, इसमें डाल देंगे ये दाल जो हमने भिगा के रखी थी। अभी कर लेते हैं दाल को अच्छे से इसमें फ्राई। ये बन गया अच्छे से, चने की दाल का हमने फ्राई करके रख दिया है, ठंडा होने के लिए उसे छोड़ देते हैं। और इधर काट रहे हैं हम आलू और प्याज, ये कटिंग कर रहे हैं प्याज इसके अंदर। ये डाल दिया है पालक, डालेंगे धनिया पाउडर आ गया है, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, हल्का सा डाल दिया है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल दूंगी गरम मसाला, हल्का सा डालेंगे अजवाइन। साथ ही में आ गया है नमक, ये आ गया बेसन। अभी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, अगर लगेगा तो थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे। हो गया पेस्ट तैयार। इतने क्या करते हैं, दाल पीस लेते हैं, उसका भी पेस्ट तैयार करते हैं, फिर फटाफट बनाना शुरू करेंगे। दाल और दाल का बना रहे हैं पेस्ट। देखो ये पेस्ट हो गया है पीस कर तैयार अच्छे से, और ये डाल दिए हैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची, धनिया पाउडर डाल दिया है, और आ गया है लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा डाल देंगे कलर के लिए हल्दी, और हल्की सी डालेंगे बिल्कुल अजवाइन। और अब डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, और फिर कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स। ये हो गए हैं दोनों पेस्ट तैयार। तो क्या करते हैं, पहले फटाफट ये बना लेते हैं, फिर लास्ट में बनाएंगे पूड़ियाँ अपनी। ये डाल दिया कढ़ाई में तेल, डालने शुरू कर दिए पकौड़े, ये देखो पकौड़े धीरे धीरे से होने लगे हैं। ये देखो कितना बढ़िया पकौड़ा लग रहा है हमारा, और धीरे धीरे से बनकर हो रहा है तैयार। ये देखो ये हो गए हैं पकौड़े,
तल कर तैयार अच्छे से। ये निकाल लिए हमने बड़े बर्तन में। इसी तरीके से बनाने हैं सारे पकोड़े। फटाफट से पहले पकोड़ा ये वाला बना लेते हैं, फिर बनाते हैं मूंग की दाल का, आपको दिखाते जाएंगे। मिक्स आलू का और प्याज का पालक का पकोड़ा बनकर तैयार। तो अभी क्या करते हैं, फटाफट से मूंग दाल का डालना शुरू करते हैं। ये देखो मैंने बनाया हुआ है इसका पेस्ट भी, ये देखो ये डालना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे से पकने लगे हैं बहुत बढ़िया से। ये देखो ये हो गए हैं उनकी दाल के पकोड़े यानी कि मंगोड़े बनकर तैयार। ये देखो और इसी तरीके से हम धीरे धीरे सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे दाल के। ये पीस रहे हैं हम दाल। ये पीस गई है हमारी दाल और दाल पीस कर हो गई है तैयार। आने वाले हैं दाल की पूड़ी। और दाल जब हमने पीसने में नमक नहीं डाला था, अभी डालने वाले हैं। पहले इसमें नमक अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। ये डाल दिया है नमक और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखो ये ले लिया है आटा और क्या करते हैं फटाफट इसको बेल लेते हैं। ये देखो और इसमें ले लिया है दाल, करते हैं इसको इस तरीके से बंद कर लेते हैं। ये कर दिया है बंद। और ये अब क्या हो गया, फूल गया है। तो क्या करते हैं, एक टूथपिक से कर देंगे इसमें छेद। और अब बेल लेते हैं इसका। हल्के हल्के हाथों से ही आपने इसे बेलना है। डाल दिया हमने पूड़ी तलने के लिए। इसी तरीके से आपने सभी पूड़ियों को बना तैयार कर लेना है। ये देखो कैसे फूलती जा रही है, मजा आ रहा है देखने में। और ये देखो ये हो गई है तल कर तैयार। और डाल देते हैं। इसी तरीके से हमने सारी पूड़ियों को बनाना है। और जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें। और ये चीज़ें आप अब इस टाइम रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में भी तैयारी के लिए लोग बना सकते हैं। और मैंने आपको सिखाने के लिए ही ये चीज़ें बनाई हैं। और जैसे हमेशा कहती हूँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करना ना भूलें। अपना भी ध्यान रखें और घर वाले का।